और चलिए रुक करेंगे कुछ और खबरों का। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले की जांच के बीच कांग्रेस की एनएसयूआई विंग पंजाब नेशनल बैंक पहुंची। नीरव मोदी को करोड़ों रुपए देने के बाद भी पंजाब नेशनल बैंक को रिकवरी हुई है। अब एनएसयूआई भी पंजाब नेशनल बैंक से लोन मांग रही है। संगठन के रवि परमार का कहना है कि जिस तरह से नीरव मोदी को पंजाब नेशनल बैंक ने लोन दिया था, उसी तरह एनएसयूआई के लोगों को भी 10,000 रुपए का लोन दिया जाए, जिससे छात्र नर्सिंग घोटाले की कानूनी लड़ाई लड़ सके। बता दें कि पिछले दिनों राजधानी में धरना देने के बाद टीटी नगर पुलिस ने बॉन्ड भरने के आदेश जारी किए थे, जिसके लिए संगठन के कार्यकर्ता लोन की मांग कर रहे हैं। नर्सिंग कॉलेजों की लड़ाई लड़ने के लिए सरकार द्वारा जब हम नर्सिंग छात्राओं के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और फर्जी नर्सिंग कॉलेजों के कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो सरकार द्वारा हमारे ऊपर झूठे प्रकरण दर्ज कर दिए गए। वहीं 2 से 3 बार जेल भेज चुके हैं और 7 से 8 बार गिरफ्तार कर चुकी पुलिस। अब पुलिस ने आदेश जारी किया है कि हमें सरकार को 10,000 रुपए जमा करने होंगे। कल 6 तारीख को 12 बजे के पहले यहाँ 10,000 रुपए टीटी नगर CSP ऑफिस में जमा करवाना होगा, अन्यथा जेल जाने के लिए तैयार रहने का आदेश जारी किया है पुलिस विभाग ने। तो हमने यहाँ पर 10,000 रुपए के लोन की मांग की है, क्योंकि हम एक मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं और हमारे पास 10,000 रुपए जमा करने के लिए आर्थिक स्थिति नहीं है। इसलिए आज हमने यहाँ PNB बैंक से 10,000 रुपए के लोन की मांग की है।